सो गाइस, लॉकडाउन के टाइम पे हमें कई सारे नए यूट्यूबर्स मिले हैं, जैसे कि और साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि कुछ यूट्यूबर्स की एक बेसिक नीड होती है, मतलब एक माइक और एक ट्राइपॉड वगैरह होना चाहिए उनके पास। सो आज की वीडियो में आपको मैं दो ऐसे ट्राइपॉड बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, मतलब एक तो 350 रुपीज़ का आता है और एक मैंने अभी लिया है 750 रुपीज़ का। तो मतलब ये एक डिजिटेक का ट्राइपॉड है, आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया ट्राइपॉड है। तो आज हम दोनों का कंपेरिजन करेंगे, तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग करते हैं। भाई साहब, देख सकते हैं कि ये है वो हमारा ट्राइपॉड, तो मतलब काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छी, मतलब ठीक ठाक से पैकेजिंग में आता है हमारी अमेज़न की तरफ से। तो अभी हम इसको खोल देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मतलब डब्बे की क्वालिटी थोड़ी सी मेरे को बेकार सी लगी, और इसमें हमें एक देखने को, अरे इसमें एक और चीज़ है। सो सबसे पहले इसको नीचे रखते हैं, तो हमें एक पैकेट देखने को मिलता है, एक प्लास्टिक का पैकेट, आप देख सकते हैं डिजिटेक की ब्रांडिंग भी पड़ी है ऊपर, और मुझे ये थोड़ा सा बेकार सा मिला क्योंकि ये हल्का सा यहाँ से आप फटा हुआ है। और इसके अंदर हमें एक और पैकेट देखने को मिलता है, तो मतलब बढ़िया चीज़ लगी मुझे, पैकेजिंग इसकी काफ़ी मतलब ड्यूरेबल सी है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा ट्राइपॉड, तो अभी इसको हम नीचे रखते हैं। ये मुझे थोड़ा ठीक ठाक क्वालिटी का लगा, पर मुझे फटा हुआ मिला, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। सो ठीक है, चलो, तो ये भी मैंने फाड़ दिया था क्योंकि मैंने देख लिया ट्राइपॉड कैसा है, तो आपको फिर से अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी हैवी ट्राइपॉड है। तो ये जो मेरा पुराना ट्राइपॉड था 350 रुपीज़ वाला, एक चाइनीज़ ट्राइपॉड, आपको पता है अमेज़ॉन पर मिलता रहता है ये ट्राइपॉड, कुछ 350 to 400 रुपीज़ के बीच में आया था ये जो आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर ट्राइपॉड। सो ये है वो ट्राइपॉड डिजिटेक का हमारा DTR 450 LT। सो मतलब ये ट्राइपॉड मैंने क्यों लिया और किस लिए लिया तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो इसकी जो क्वालिटी है मुझे इससे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मतलब जो इसके पाइप्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा थिक हैं, और जो इसकी ग्रिप्स है वो भी काफ़ी मतलब रबराइज्ड है और काफ़ी मतलब फिसलता नहीं है। और जो इसका हेड है वो मेन चीज़ है, मतलब जो इसके हेड में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें हम पैनिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है बट चलो काम चल जाता है। तो सबसे पहले हम इसके पाइप्स को कंपेयर कर लेते हैं, तो पाइप्स इसके काफ़ी ज़्यादा मोटे, इसके काफ़ी लंबे भी है क्योंकि ये एक लंबा ट्राइपॉड है, तो ये कुछ 4-4.5 फीट का ट्राइपॉड है और वो तो काफ़ी छोटा है। सो मतलब आपको अगर फुल लेंथ दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखते हैं फुल लेंथ में, अगर आप इसको साथ साथ खड़े कर देते हो। सो मतलब ऐसा मतलब काफ़ी छोटा ट्राइपॉड है 350 वाला, और ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी लंबा है और काफ़ी मतलब थिक है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो इसका जो पाइप है वो काफ़ी मुझे अच्छे लगे, काफ़ी थिक है, और आप देख सकते हैं उसके पाइप में थोड़ा सा डेंट भी पड़ा हुआ है, बट इसके पाइप में ऐसा कोई डेंट वगैरह नहीं आ सकता क्योंकि काफ़ी मोटा है। और जो इसके लॉक्स है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि इसके थोड़े से मोटे लॉक्स हैं और मतलब और थोड़े स्मूथ भी हैं इससे। सो मतलब लॉक्स भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, और जो इसका प्लास्टिक यूज़ हुआ है ना अंदर, वैसे दोनों प्लास्टिक के हैं ये, और ये दोनों एल्युमिनियम के, इसमें मोटा एल्युमिनियम यूज़ किया हुआ है और इसमें प्लास्टिक भी काफ़ी मोटा, मतलब अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, जो कि मुझे ज़्यादा बेटर लगा और मतलब प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई कर रहा है मुझे ये 750 रुपीज़ मेरे को वर्थ लग रहे हैं। तो इसमें भी कुछ कमियाँ मैं आपको आगे बताऊँगा, पहले हम हेड को कंपेयर कर लेते हैं। हेड तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 350 वाला का जो हेड है ना, जो हमारा ट्राइपॉड है 350 वाला, तो इसका जो हेड है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, मतलब तो मैंने जिस दिन ही लिया था उसके 3 दिन बाद ही वो टूट गया था। तो आप देख सकते हैं मैंने फेविक्विक से चिपकाया वो, अभी तक मतलब कुछ 3-4 महीने से मैं उसको फेविक्विक से चिपका के जोड़ चला रहा था मतलब काम, तो इसलिए मैंने एक नया ट्राइपॉड लिया क्योंकि उसमें मेरे पैनिंग वगैरह और लेफ्ट राइट वगैरह कुछ नहीं होता था। सो मतलब इसलिए मुझे एक ट्राइपॉड की जरूरत है जिसमें मैं थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह ले सकूँ, और मैं आपको पता ही है कि कैमरा के मतलब कैमरा कंपेरिजन वगैरह करता रहता हूँ, सो उसमें फ़ोटोज़ खींचने में मुझे काफ़ी आसानी होगी इस ट्राइपॉड में, तो मैंने ये नया लिया है। तो इसका जो हेड है वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे क्योंकि इसमें हमें काफ़ी चीज़ें मिलती है इधर उधर करने वाली। सो और इसके जो नट्स है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और इसके ऊपर एक और चीज़ लगती है वो डब्बे के अंदर ही पड़ी है, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, ये है वो हमारी चीज़ जो कि इसके ऊपर लगती है, जो इसको हम फ़ोन होल्डर कह सकते हैं। सो मुझे इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेकार सी लगी क्योंकि गाइस मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊँ, जो इसका जो हेड होता है जो ऊपर फिक्स होता है मुझे काफ़ी छोटा लगा, फ़ोटोज़ में काफ़ी मतलब बड़ा दिखाया हुआ था, और इसका जो अंदर का नट है वो मेरे से घूम भी नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको टाइट किया हुआ है। सो मतलब ये मुझे थोड़ी सी अजीब सी चीज़ लगी कि ये थोड़ी सी मुझे क्वालिटी तो अच्छी है, मतलब प्लास्टिक वगैरह का अच्छा यूज़ किया हुआ है, प्लास्टिक तो अच्छा वाला है, बट ये मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, तो मतलब इसका कुछ सीन है। सो ये ऐसा क्या है कि ये इसको हम अगर इसको ऐसे करें, इसको हमें ऐसे खींच के ये ऐसे फिट हो जाता है और इसको टाइट कर दे, तो ये हमारी चीज़ लग जाती है। और आपको बताओ कि ये वाला जो अगर ये वजह फ़ोन ढूंढ रहे मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बिकॉज ये कुछ ऐसे शेप का है और इसमें अगर हम फ़ोन अटकाते हैं तो वो उछल जाता है कई बार। सो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और अगर इसमें हमारा दूसरा वाला फ़ोन होल्डर होता जो कि ब्लैक कलर का आता है पट्टी जैसा, जो इसमें ऐसा होता है जिसके अंदर हम फ़ोन डालते हैं,
सो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है और उसमें फ़ोन उछलता नहीं है, तो मतलब वो ज़्यादा बेटर था। दोनों में ही हमें मतलब जो बैलेंसिंग की चीज़ होती है ग्रीन कलर की, जो लिक्विड भरा होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि फ़ोन जो ट्राइपॉड हमारा सीधा खड़ा है कि नहीं खड़ा हुआ, सो वो दोनों में हमें देखने को मिलता है। सो दोनों की वो भी दोनों में सही है। और इसमें जो हमारा लिफ्टिंग वाला है, तो मतलब आपको ये पुलर देखने को मिलता है, एक मतलब ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, तो रोलर बोलेंगे पुलर बोलेंगे पता नहीं, तो इसमें ये मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी है। ऐसे घुमाओ तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, सो मतलब ये सही चीज़ लगी मुझे। ऐसा कुछ उसमें 350 वाले में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ एक नट दिया हुआ जो घुमाओ और ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। सो बट मैं आपको बताऊँगा कि ये जो पुलर है इसकी क्वालिटी मतलब प्लास्टिक तो अच्छा है, बट ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी जल्दी टूटने वाला है, क्योंकि एक तो ऐसे करने में मज़ा बहुत आता है, अब मैं बार बार करता रहूँगा और ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, तो ऐसी कुछ सीन है। बट अब मैं ध्यान रखूँगा कि ज़्यादा यूज़ ना करूँ। यहाँ पे हमें एक नट देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं, अगर इसको हम घुमाएंगे तो वो लिफ्ट पर जो हमारा पुलर है वो ढीला और टाइट हो जाएगा। तो आपको ट्राईपॉड के आपको फंक्शन तो पता ही होंगे ज़्यादातर, सो इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ खास नहीं है, आप इसमें ज़्यादा वेट भी नहीं लगा सकते। ये एक्चुअली एक फ़ोन का ट्राईपॉड है, अगर आपको सीधी सी बात बताऊँ, अगर आपके पास DSLR है तो आप इसको मत ही लेना तो बढ़िया रहेगा। आप अगर आपके पास DSLR है तो आप वो वाला ले सकते हैं जो हमारा कोडेक का आता है एक ट्राईपॉड, काफ़ी बढ़िया 1200 to 1500 rupees के बीच में आपको मिल जाएगा, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। सो मैं वैसे अमेज़ॉन का बेसिक ले रहा था, बट उसका मुझे मतलब एकदम से उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो मैंने ये ले लिया। पता नहीं उसका प्राइस जो था वो कुछ 800 के करीब था, एकदम से इन्होंने 1000-1200 का कर दिया वो, सो मैंने वो नहीं लिया, मैंने ये वाला ले लिया। सो मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा, बट इसका हेड की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर होती तो बढ़िया रहता। बाकी अगर आपको मैं बताऊँ कि आपको 400 rupees ज़्यादा लगाना चाहिए ये वाला लेने के लिए, सो हाँ गाइस आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि मतलब ये काफ़ी बड़ा है। अगर आपके पास बजट है, अगर आप 400 rupees लगा सकते हो, सो आप इसके लिए ही जाएँ, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी टूटने वाला है, आपके 350 rupees बर्बाद जाएंगे। सही बता रहा हूँ आपको, मैं आपको भी फेवरिक लगा के काम चलाना पड़ेगा। सो मुझे आपको बता रहा हूँ कि आप ये वाला ले लीजिए, और इसके हेड की जो पैनिंग वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है, आपका काम चला लेगा अगर आप एक बिगिनर यूट्यूबर हैं। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी नई नई आपके लिए वीडियोस लेके आता रहता हूँ। सो मुझे दुख हुआ कि पबजी भी बैन हो गया, तो कोई बात नहीं, अब हम कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेल लिया करेंगे। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। Yeah, I'm fine. Been trying to get all of you all night.